में बच्चों के लिए हमारी छोटी कॉलेज बहुत ही जरूरी है। ये मगज का बीज है, इसमें मैंने लाल कर लिया। ये मखाना, सारे मेरे भून चुके हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मोहरा। इन लोग के लिए घर पे ही मैं नमकीन बना लेती हूँ। बाहर का नमकीन मैं इन लोगों को नहीं देती हूँ, मैं इन लोग को घर पे ही बना के देती हूँ। इसमें मैंने चिवड़ा लिया था, लाई लिया था, कड़ी के पत्ते का तड़का दिया था, और ये चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक, ये मकई, मकई का चूड़ा है वो मैंने इसमें, ये जो मैंने मगज का बीज भुना था पाउडर, ये उसको मैंने थोड़ा डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। इसमें मैं थोड़ा नमक भी ऐड करूँगी, वाइट नमक। और ये काजू बादाम मखाना जितना भी पूरा मेरा ड्राई फ्रूट था वो सारा मैंने इसमें दरदरा कूट के डाला हुआ है। मेरी नमकीन बन चुकी है और मैं बना रही हूँ पाउडर। ये हमारा प्रोटीन पाउडर बन के रेडी। इसे एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखना चाहिए ताकि ये ख़राब ना हो महीनों तक। एक महीना ये हमारा ख़राब नहीं होगा, अच्छे से चलेगा। बाहर रखोगे, फ्रिज में रखोगे तो ये और लॉन्ग टाइम चलेगा, क्योंकि इसे हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। मैं बाकी अपने काम निपटा ले रही हूँ। जो सारे बर्तन निकले हुए थे वो सारे बर्तन मैं निकाल लेती हूँ, धो लेती हूँ। अब मैं बना रही हूँ मैगी इन लोगों के लिए। मैं मैगी जो है वैसे तो इन लोगों को खिलाना मुझे पसंद ही नहीं है मैगी, लेकिन मैं यहाँ पे आटा नूडल्स, पतंजलि का जो आटा वाला मैगी आता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मैं बिस्किट भी अगर इन लोगों को रेडीमेड देती हूँ तो आटा वाला ही देखती हूँ, पतंजलि का मिलता है। मैदे का मैं चीज़ बहुत कम यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए भी। मैं मैदे की जितना खाती हूँ मैं लोगों को खिलाती हूँ। और साइड में मैंने अपना चाय भी रख दिया था, तो मैं बस चाय की भी तैयारी वही कर रही हूँ। मैं जो बर्तन धुले हुए होते हैं उनको मैं दोबारा से धोती हूँ, क्योंकि रखे हुए बर्तन में धूल जम जाता है या कोई कीड़े आ जाए या छिपकली आ जाती हैं, तो इस वजह से हमेशा बर्तन को दोबारा एक बार धो लेना चाहिए ताकि उसमें कोई भी कीटाणु ना हो। चाय मेरी ज़्यादा थी इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। बहुत ज़्यादा चाय शाम के टाइम नहीं पीना चाहिए, शाम के टाइम क्या दोनों टाइम नहीं पीना चाहिए, लेकिन अब मैं आ गई हूँ छत पे। बहुत दिनों बाद छत पे आई हूँ, चाय निकाल के बच्चों के साथ खेल।
हवा बहुत ही तेज चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। देख सकते हैं आप छत पे हवा बहुत तेज है और हम लोग छत पे खेलने आए हैं। बच्चों के साथ आप एक्टिविटी करते रहिए, उनके साथ खेलते रहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। और आज मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी दिन बाद 10-15 दिन के बाद आज ठीक रहा था, हवा चल रही तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मुझे आप लोगों के साथ और ढेर सारी बातें करनी है तो मैं बात करती रहूँगी। फिलहाल इन लोग को देखिए लोग कैसे खेल रहे हैं। मैं इसको यहीं छत पे मैगी खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। खा लो बाबू, हेलो करो, हेलो करो। क्या खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, ये खा ले। माँ दो हाय करो, हाय बाय करो, बाय बाय कर लो, बाय कर लो। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है मैं कहीं बाहर निकल गई हूँ घूमने के लिए, तो घर में बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। और आज 10-12 दिन से बच्चे बीमार थे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं आ गई हूँ नीचे। मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी पर वॉइस पता नहीं क्यों नहीं, आवाज़ बहुत ही धीमी थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं आपको ये बता रही थी मैं छत से नीचे आई हूँ, चेहरे पे पूरा धूल धूल जम गया है, एकदम डस्ट से ऐसे लग रहा है कि मिट्टी जम गई। और मैं शाम जो चाय रखी हुई थी वो मैं फिर से पी रही हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी लेकिन मेरी वॉइस पर रिकॉर्ड नहीं हुई, बिकॉज मैंने उस टाइम ब्लूटूथ यूज़ किया था, मैं ब्लूटूथ नहीं आ रखा था और फ़ोन कहीं और, इसलिए भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, अपना जो है बाकी का काम निपटाने। खाना मेरा बन चुका है और किचन भी मेरा साफ़ हो चुका है और सब खाने पीने के लिए बाकी है। टाइम लगभग 9 बज रहे थे, खाना एकदम रेडी है, बस सबका सबके आने का टाइम होने वाला है। तो सब आएंगे तो 10-11 बजे तक बाकी काम भी हो जाता है। मैं आप लोगों से कुछ कह रही थी, आवाज़ कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है, यही बता रही थी कि मेरा खाना बन चुका है, मेरा किचन साफ हो चुका है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।